नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम करमसखेड़ी में दबंगों ने एक युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि युवक अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। युवक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। युवक के परिजनों का आरोप है कि 3-4 दिन पूर्व बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ था, जो बाद में निपट भी गया था, लेकिन आरोपियों ने मामले के निपटारे के बाद उस वक्त उसके भाई को धोखे से बुलाकर जानलेवा हमला कर दिया जब युवक नमाज के बाद घर लौट रहा था। परिजनों के मुताबिक दबंगों ने युवक को इतनी बेरहमी से धारदार हथियारों और लाठी डंडों से पीटा कि ये युवक अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में परिजन और ग्रामीण थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर परिजनों ने पुलिस पर भी आरोपियों से हमसाज होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो उनके भाई की ये हालत नहीं होती। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ भी रोष व्याप्त है। तहरीर दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। सबको लेके चलिए, तो घर भेजिए, सबको घर भेजिए, मुकदमा लिखा जाएगा। हाँ भेजिए, सबको पहले भेजिए सबको। ये सही नहीं, मुकदमा भी उल्टा आपके खिलाफ लिखा दूंगा मैं मुकदमा। खिलाफ कार्रवाई होगी, खुद का नगर उसकी चाली से मैंने रोजा खोला भी तो माफ कर दो। मैं थाई ने खाई खेड़ी कमालपुर से। क्यों आए हो आप यहाँ पर? हम यहाँ पर आए हैं, मेरा 4 दिन पहले बच्चे बच्चों में झगड़ा हुआ, थोड़ी सी बात हुई और मेरा भाई वो बात बीत गई। मेरा भाई नमाज पढ़ कर आ रहा था तरावी रात। नाम क्या भाई का? भाई का नाम मोहम्मद सादिक, बाप का नाम जवाद, मोहम्मद जवाद। मैं तरावी पढ़ कर आ रहा था रात को, 10-12 लड़के लगे खड़े थे, उन्होंने भाई को बुलाया, नाम भूरा दिलसाद, भूरा बोलते, मतलब नाम दिलसाद है उसका। उन्होंने कहा कि सादिक यार यहाँ को आ। उन्होंने कहा भूरा भैया आ रिया। वो पीछे को वापस गया और जाकर उसे बिठा के उसके 2-4 बात अच्छी तरीके से करी। ऐसा कुछ नहीं कि कोई बात इनके दिलों में है, और उसके पीछे से उसका मुंह पर तैमन बांधा, ये जाकर अपने घर के अंदर कमरे में बंद करा उसे, बंद कर वहाँ दाल के का मतलब बोरी, मिर्चियों की बोरी पड़ी थी उसके ऊपर उसे फेंकेल कर मारा, तलवार मारी, पहली तलवार मारी उसके बाप ने। फिर उसके बाप ने जब तलवार मारी उसने वो तलवार हाथ पर रोकी, दूसरी तलवार उसके सीने पर आके लगी। फिर तलवार के बाद उन्होंने बंची, जिस बंची से बर्फ तोड़ते वो बंची, उसके बंची मारी कम से कम 15 जगह, बंछियों का जख्म उसके बंछियों का मारते रहे और उसके अंदर जख्म के अंदर मिर्ची भरते रहे। मैं इतना मारा, जब देखा मेरे भाई बोला कि देखो मैं रमजान रख रहा हूँ, रोजे से हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, 2 दिन से मैं बगैर सहरी का रोज़ा रख रहा हूँ, मैंने 1 गिलास पानी पीकर रोज़ा अफ्तारा, तुम मुझे आज अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, मैं 2 दिन रमजान के बाद तुम मुझे जो कहना चाहेगा कह दियो, मैं रमजान के बाद आकर तुम्हारे घर अपने आप ही बैठ जाऊँगा। बोलते कि तू अब के बाद नहीं, अगले रमजान में रोजे रखेगा। फिर उन्होंने इस कदर मार तार करी कि जो उनके हाथ लगा, बंछी लगी, तलवारें लगी, उन्होंने कर दिया मौजूदा, फिर बंद करके कोई हमें पता नहीं हमारे घर के अंदर और हमारा बाहर से गेट लगा गए, जिससे के घर वाले नहीं आए, बाकी लोग इधर आ जाओ, गेट लगा के उन्होंने कोई बात नहीं, गेट लगा के वे चले गए। हमारे जब हमें कुर्सी चीख पी की आवाज आई तो हम गए, हमारे पास एक दो हमने इकट्ठा करा, कोई पता नहीं, मौजूदा प्रधान के पास फोन करा, मौजूदा प्रधान आए, उन्होंने आके गेट खुलवाया, उन्होंने कोई गेट नहीं खोला, मना कर दी, बोला जब तक पुलिस नहीं आएगी हम गेट नहीं खोलेंगे। हमने बोला कि गेट मतलब मौजूदा प्रधान बोला कम से कम गेट तो खोलो, बोले नहीं गेट नहीं खोलेंगे। गेट खोल, पुलिस आई, मौजूदा प्रधान ने पुलिस के पास फोन करा, पुलिस आई, उन्होंने पुलिस को बिल्कुल लाश उठा के और इतना मारा कि 50 डंडे बाद में लाश समझ के मारा, पैर वैर उन्होंने कुछ भी नहीं, हमने उसे बंदे बंदों को जैसा कुत्ते के शरीर का इस तरीके से वो चलकाया और ला कर उसे, पुलिस वालों ने भी बोला कोई सुनवाई नहीं, खड़ा हो बे, क्या कर रहा है यहाँ, खड़ा हो। उसकी इतनी लंबी 4 अंगल के बराबर उसकी जीभ बाहर पड़ी थी, पुलिस वालों ने कहा खड़ा हो, ढोंग करता है यहाँ तू, और इतना खून बह रहा था कि हम क्या कर रहा है इसके साथ। पैसा भरा हुआ था उनका, उन्होंने 1.5-2 लाख रुपया, 2 लाख करीब, 2 लाख एक दिन पहले शाम को भरकर, और जब उसे साजिश से मारा गया। हमारे भाई की कोई गलती नहीं थी, रमजान से हमारा मुँह, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो खुदा हमारा नाश कर रहा।